गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक मिजगोरी रोड एशियन डायग्नोस्टिक सेंटर के अपोजिट रॉयल प्लाजा कॉम्प्लेक्स में न्यू खाजी ऑफिस एंड काउंसलिंग सेंटर ओपन हुआ है, जिसके जरिए निकाह पढ़ाए जाने पर आपको आसानी से गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के जरिए मैरिज सर्टिफिकेट मिल सकती है। न्यू खाजी ऑफिस ओपन करने का मकसद, फिलहाल गुलबर्गा शहर के लिए कोई भी गवर्नमेंट से अपॉइंटेड खाजी नहीं है, जिस वजह से गुलबर्गा शहर के उलमाए इकराम अफजलपुर तालुका के गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के लेटर पैड का इस्तेमाल कर गुलबर्गा शहर में निकाह पढ़ा रहे हैं। ये खाजी ऑफिस ओपन करने से पहले भी 100 से ज्यादा निकाह खाजी रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के लेटर पैड का इस्तेमाल कर गुलबर्गा शहर में पढ़ाए गए हैं और वक्फ बोर्ड ने इस निकाह के बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू किया है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड खाजी के जरिए निकाह पढ़ाने पर सभी मुसलमानों को बआसानी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के जरिए मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इस खाजी ऑफिस में निकाह पढ़ाने के लिए हाफिज शफी साहब, मौलाना अब्दुल खादर वली साहब, हाफिज अमजद पाशा साहब, मौलाना अब्दुल अजीज मनियाल साहब और दीगर कई गुलबर्गा शहर के उलमा इकराम यहाँ मौजूद रहेंगे और खासकर इस ऑफिस के जरिए हर मसलक के उलमा इकराम को निकाह पढ़ाने के लिए लेटर पैड दिया जाएगा। इस ऑफिस में निकाह पढ़ाने के अलावा मियां बीवी के बीच होने वाले हर छोटे बड़े मसाइल को उलमा इकराम और एडवोकेट्स की निगरानी और कुरान और हदीस की रोशनी में हल किया जाएगा। गुलबर्गा शहर में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जरिए किसी खाजी को अपॉइंट करने तक शहर की आवाम अब इस खाजी ऑफिस के जरिए निकाह पढ़ा सकती है। इस खाजी ऑफिस का इनोग्रेशन तकद्दस माफ सैयद शाह शफीउल्लाह मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अल हुसैनी मुस्तफ़ा बाबा साहेब फिबला के हाथों किया गया है और इस मौके पर कई दीगर मशाइखीन और उलमा इकराम, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सन एज ए गेस्ट यहां मौजूद थे। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जानकर बड़ी खुशी हुई, इस मौके पर आप लोगों ने मुझे याद किया और जो मौजूदा रियाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, मैं ये बताते चलूँ कि इसमें मेरे बहन भाई होते हैं, मेरे चचेरी बहन के शौहर हैं ये। और खजात का मामला जहाँ तक है, मुझे जो मालूम है कि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत थी, मौजूदा ज़माने में खाली निकाहों के हद तक रह गई, वरना पहले ज़माने में इंसाफ का काम जो होता था, हम अपने बुज़ुर्गों से सुने, वो खजात के तहत ही रहता था। मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि आप लोग इसी तरह काम करते रहें, आपका साथ दें, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये जो यहाँ पर खजात ऑफिस की ओपनिंग हुई है, मेरी इल्तिजा है अवाम से ज़्यादा अवाम इस जानिब तवज्जो दें कि अपॉइंटमेंट खाजी के थ्रू ही शादियाँ कराएँ। ख़ासकर हमारे वसीम जो CEO गुलबर्गा हेडलाइंस के हैं, उनकी और अहम भूमिका है हमारे इसमें। लास्ट टाइम इनका एक बहुत बेहतरीन वीडियो मंजर आम पर आया था, जिसके तहत काफ़ी लोगों को इस खजात के तालुक से मालूम होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आज इफ्तिताह का मौका है, न्यू काजी ऑफिस एंड काउंसलिंग सेंटर मुस्लिम चौक गुलबर्गा में इसका जो है क़ियाम अमल में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इस मौके पर जनाब काजी रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया, और उनके तमाम अहलो अयाल को भी इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ के ज़रिए से जो है निकाह और उस दिवाजी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी से जो जुड़े हुए मसाइल हैं, इंशाल्लाह यहाँ से आसानी के साथ हल हो जाएंगे और मस्जिद के तहत इंशाल्लाह ये काम और भी बेहतरीन और खूब अंदाजी से भरपूर अच्छी तरह से हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इस मौके पर तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अदा करता हूँ।
ये है, मैं वो भी मेरे पास कॉपोर के फार्म के हिसाब से मैं निकाह पढ़ाऊँगा। सुबह 10 बजे से 10 बजे तक ऑफिस खुले रहेंगे, पब्लिक जो भी आएंगे उनका तावन करते हैं मैं काम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फजल रहमान है तो क्या डर है, हक निगहबान है तो क्या डर है। फजल रहमान है तो क्या डर है, हक निगहबान है तो क्या डर है। जिसकी कश्ती का ना खुदा खुदा हो, लाख तूफान आए तो क्या डर है। कुछ किए जाओ लेके नाम खुदा, कुछ किए जाओ लेके नाम खुदा। कुछ ना करना ही बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई चीज़ नहीं है, काम करना ही बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 जनवरी को बाद नमाज मगरिब मिजोरी रोड पर एक काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। काजी मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब सिद्दीकी के जो है ना सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अमल में आया, और तकद्दुस माब मुस्तफ़ा बाबा के हाथों से इसका जो है ना इसका फातिहा खानी भी हुई, और बहुत सारे उलमा और मशाइख और शहर के जो है ना बहुत सारे हजरात जो है ना खुशियों का इज़हार किया, मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सारे आने वालों के लिए तहदिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग जो है ना अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे इस दावत पर लब्बैक कहते हुए आए। हम सभी का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जो जो लोग भी आए हैं मेहमान सब का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काजी रियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की तरफ से मैं जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक रहेंगी, और दोपहर में जो है 4:30 बजे से शाम में 9 बजे तक जो है ना ऑफिस हमारी खुली रहेगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है काउंसलिंग करेंगे, मियाँ बीवी के जो भी झगड़े रहेंगे, जो भी तलाक खुला के मामलात रहेंगे, हम उनको कुरान हदीस की रोशनी में और वकला की जो है ना मौजूदगी में जो है ना हम उसको हल करने की हत्तर इम्कान कोशिश करेंगे, सही उनको जो है ना रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना मैरिज भी पढ़ाने के लिए हमारे पास काई साहब के हम नायबिन की हैसियत से काम कर रहे हैं, मौलाना हाफिज़ शफी साहब है, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब है, मैं हूँ, और दिगर और भी जो है ना आइम्मा है। और यहाँ से हम ये ऐलान भी कर रहे हैं कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को हम जो है ना अलग ऐलान ये ऐलान कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि आप कहीं भी शादी रंदे आकर के यहाँ से फॉर्म ले जा करके आप पढ़ा सकते हैं, इसमें किसी को जो है ना कोई रोक टोक नहीं रहेगी। हर मकातिब फ़िक्र के उलमा आकर के यहाँ से फॉर्म लेकर के पढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह हम अवामुन्नास का रिकॉर्ड भी यहाँ मेंटेन करेंगे, और वक्फ बोर्ड में हम जमा भी करेंगे इंशाल्लाह।